नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम पेपर डिस्कशन से रिलेटेड हमारा ये पार्ट जो होगा वो सिक्स होगा पार्ट। इससे पहले मैंने पार्ट फाइव तक अपलोड कर रखे हैं, तो ये हमारा पार्ट इसी हिसाब से चलता रहेगा और अगले पाँच छः वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी से और मैथ का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद वो ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किस हिसाब से पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। मैं बता दूँ कि अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए चैनल बहुत ही बेहतरीन होगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना है, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग हमसे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हैं। हमने व्हाट्सअप नंबर कम्युनिटी पर शेयर कर रखा है, और अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके जो यहाँ से सहायता कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो कैसे बता दें कि इससे पहले भी मैंने कई वीडियो जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर भी डिसोल्यूशन सॉल्व कर रखे हैं, और मैंने इससे पहले प्राचीन इतिहास को बारे में डिस्कशन कराया था। मध्यकालीन हमारा इतिहास चल रहा है, इसके बाद आधुनिक इतिहास से पूछ क्या क्या पूछे जाते हैं, उसके बाद लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से अगर फंसता है तो आप लोग ज़रूर वहाँ से लगा के आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा पहला है कि अकबर ने किस धर्माचार्य को जगत गुरु की उपाधि धारण की थी, उपाधि दी थी, तो वो कौन थे? हरिविजन सूरी। किसकी घोषणा के द्वारा अकबर धार्मिक मामलों का सर्वोच्च निर्णायक बन गया, तो मजहर के। किसकी घोषणा के द्वारा अकबर धार्मिक मामलों का सर्वोच्च निर्णायक बन गया, तो मजहर थे। अकबर की दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। पहला व अंतिम हिंदू राजा कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, तो वो थे बीरबल। अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव किस धर्म का था, तो हिंदू धर्म का था। अकबर ने किस सूफी मत को आश्रय प्रदान किया था, तो वो चिश्ती था। अकबर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो सलीम चिश्ती थे। दास प्रथा का अंत कब किया गया, 1562 ईस्वी में दास प्रथा को अंत कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया, ये बता दूँगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अकबर की हरम दल से मुक्ति कब हुई, 1562 ईस्वी में ही हुई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना व राजधानी को आगरा से स्थानांतरण कब किया गया, 1571 ईस्वी में। राजधानी को फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरण 1585 ईस्वी में किया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने लड़कों एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः कितने वर्ष को निर्धारित की गई, 16 वर्ष और 14 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि अकबर नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध बीरबल का मूल नाम क्या था, तो महेश दास था। अकबर के बीरबल को कौन कौन सी उपाधि प्रदान की, वो कविराज व राजा की उपाधि प्रदान की थी। 1583 में अकबर ने बीरबल को किस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया, तो न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया था। अकबर के नवरत्नों में एक जो उसके मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ तो उसका साम्राज्य का मुख्य सचिव भी था, वो कौन था, अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या कब, किसके निर्देश पर तथा किसके द्वारा कर दी गई थी, 1602 ईस्वी में जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दी गई थी अबुल फजल की मृत्यु। अकबर के नवरत्नों में एक जो उसके साम्राज्य में प्रधानमंत्री पद पर लंबे समय तक रहा, वो कौन था, टोडरमल। अकबर के नवरत्नों में एक जो एक महान संगीतज्ञ था तथा जिसने संगीत से संबंधित मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग आदि प्रमुख कृतियाँ की रचना की, वो कौन था, वो तानसेन था। महान संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडेय था। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास जो है अकबर ने तानसेन को उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि तानसेन अकबर के दरबार में किस पद पर था, तो राजकवि के पद पर था। अकबर के नवरत्नों में एक जिसने बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वो कौन था, अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के नवरत्नों में एक जिसे प्याजा खाने के अत्यधिक शौक था, जिस कारण अकबर ने उसे दो प्याजा की उपाधि दी थी, वो कौन था, मुल्ला दो प्याजा। अकबर के नवरत्नों में एक जिसे प्याज खाने का अत्यधिक शौक था, इस कारण से अकबर ने उसे दो प्याजा के नाम उपाधि दी थी, तो वो कौन था, मुल्ला दो प्याजा। अकबर के नवरत्नों में एक जो उसकी शाही पाठशाला का प्रमुख था, वो कौन था, हकीम हुकाम था। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर का जन्म कब हुआ था, 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। ये सब नहीं पूछा जाता है जन्म के बारे में। मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी स्थित किस प्रसिद्ध सूफी संत की कुटिया में हुआ था, जिसके नाम पर ही उसका नाम पड़ा, तो वो कौन था, शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर का जन्म। इसी प्रकार से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जहांगीर की माता का नाम क्या था, तो मरियाना उज्जमानी था।
जहांगीर की माता का नाम मरियम उज्जमानी आमेर के किस राजपूत की राजा की पुत्री थी, तो वो थी भारमल की पुत्री। जो मरियम उज्जमानी थी वो कि मरियम उज्जमानी आमेर के किस राजपूत की पुत्री थी, भारमल की। मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर मुख्य शिक्षक सहगुरु कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना ही थे। मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर का प्रथम विवाह कब तथा किसके साथ हुआ था, तो 13 फरवरी 1585 मानबाई के साथ हुआ था। मानबाई आमेर जो कि जयपुर की थी, किस राजा की पुत्री थी, वो भगवान दास की थी पुत्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मानबाई को जहांगीर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो शाह बेगम की उपाधि धारण की थी, उपाधि दी थी। मानबाई द्वारा जहांगीर के शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर लेने के बाद जहांगीर ने किसके साथ अपना दूसरा विवाह किया, जगतोसाई उर्फ जोधाबाई के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा, जोधाबाई जो है जहांगीर की पत्नी का नाम था, ना कि अकबर की पत्नी का नाम। तो वहाँ पे लीला भंसाली जो पिक्चर बनाया था उसमें थोड़ा गड़बड़ी कर दिए थे, इस हिसाब से वो जोधाबाई वहाँ के, जबकि उनकी अकबर की पत्नी हुकुमाबाद ऐसा कुछ नाम था। आप लोग पता करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरा विवाह जगत सॉई उर्फ जोधाबाई के साथ हुआ था, जहांगीर का विवाह। जहांगीर ने जगत गोसाई को कौन सी उपाधि धारण की थी, तो मलिका ए जहां की। मोहम्मद सलीम का राज्यभिषेक किस तिथि को हुआ, 3 नवंबर 1605 को। मोहम्मद सलीम का राज्यभिषेक कहां हुआ था, आगरा फोर्ट में हुआ था। जहांगीर ने विधवा मेहरू निशा से कब विवाह किया, मई 1611 में। जहांगीर ने मेहरू निशा को कौन कौन सी उपाधियाँ प्रदान की थी, नूर महल, नूर जहां व पादशाह बेगम। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाला उसका पुत्र कौन था, खुसरो था। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाला उसका पुत्र खुसरो था। जहांगीर ने खुसरो को कहाँ के किले में कैद करवा दिया, तो आगरा के किले में जहांगीर ने उसके पुत्र खुसरो को कैद करवा दिया था। किस मकबरे की यात्रा के बहाने खुसरो कैद से भाग निकला, तो अकबर। किस मकबरे की यात्रा के बहाने खुसरो कैद से भाग निकला था, तो अकबर के मकबरे से के बहाने वो वहाँ से कैद से निकल भागा। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि खुसरो तथा मुगल सेना के बीच कहाँ युद्ध हुआ, तो भैरावल में युद्ध हुआ था 1606 से 1607 में। जहांगीर ने फारसियों से व्यापार व सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा भारत का सिंह द्वार कहे जाने वाले किस प्रांत को जीत लिया, कंधार को। शाहजादा खुर्रम की सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे कौन सी उपाधि प्रदान की, शाहजहाँ की। जहांगीर की मृत्यु किस तिथि को हुई थी, 7 नवंबर 1627 को। जहांगीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, भीमवार जो कि पाकिस्तान लाहौर में वर्तमान में है। और मृत्यु के बाद जहांगीर को कहां दफनाया गया था, वो शाहदारा रावी तट के नत पर दफना दिया गया था। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, यह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, इस आत्मकथा को पूर्ण रूप से किसने प्रदान किया था, तुजुक ए जहांगीरी फारसी और मौतमीद खा। शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था, 5 जनवरी 1592 को। और शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट देखते हैं कि शाहजहाँ की माता का नाम क्या था, जगत गोसाई था। और शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। खुर्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, आनंददायक होता है। और 1612 में खुर्रम का विवाह किसके साथ हुआ, तो अर्जुमंद बानो के साथ में हुआ था। और अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल किसकी पुत्री थी, आसफ खां की पुत्री थी। खुर्रम खां शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को कौन सी उपाधि दी थी, वो मलिका ए जमानी उपाधि दी थी। शाहजहां का राज्यारोहण कब और कहां हुआ, 24 जनवरी 1628 को आगरा फोर्ट में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में किस सिख गुरु को मुगलों के साथ संघर्ष हुआ, जिसने सिखों को हार हुई, हरगोविंद के साथ हुआ था। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई, जनवरी 1666 में हुई थी। शाहजहाँ की मृत्यु कहाँ, कितने वर्ष की आयु में तथा कैदी जीवन के किस वर्ष हुई थी, तो आगरा फोर्ट में 74 वर्ष की आयु में। और जीवन के किस वर्ष में हुई थी, कैदी जीवन के 8वें वर्ष में हुई थी, यानी 8 वर्ष उनके हो गए थे वहाँ पे कैद हुए। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ था। औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था, दोहाद में हुआ था। और नोटा दोहाद मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट स्थित है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, औरंगजेब की माता का नाम क्या था, मुमताज महल था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता, नूरजहाँ के पास बीता था। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने के किस राजकुमारी से हुआ,
दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। और औरंगजेब ने अपना पहला राजाभिषेक कब तथा कहाँ करवाया? 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा फोर्ट में करवाया था। देवराई के युद्ध की विजय के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में कब प्रवेश किया? 15 मई 1659 ईस्वी में। औरंगजेब ने अपना दूसरा राजाभिषेक किसके महल में करवाया था? शाहजहाँ के महल में करवाया था। इसी प्रकार से हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम जो थे वो कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे धार्मिक असहिष्णुता एवं किसान विरोधी। औरंगजेब की नीतियों के कारण प्रथम हिंदू विद्रोह कब तथा कहाँ किसके नेतृत्व में हुआ था? 1669 ईस्वी में हुआ था, मथुरा और गोकुला के नेतृत्व में हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रथम हिंदू विद्रोह हुआ था वहीं पे। धार्मिक असहिष्णुता एवं किसान विद्रोह औरंगजेब की नीतियों के कारण हुआ था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था? गुरु तेग बहादुर, जिनकी मृत्यु करवा दी थी औरंगजेब ने। तेग बहादुर की हत्या के बाद औरंगजेब के खिलाफ किस सिख गुरु ने विद्रोह जारी रखा? गुरु गोविंद सिंह ने फिर वापस विद्रोह को उठा दिया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? उसे कहाँ तथा किस संत की कब्र के अहाते में दफनाया गया? 4 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी, दौलताबाद में दफनाया गया था। फ़कीर बुरहानुद्दीन के कब्र के पास दफनाया गया था। मुगल प्रशासन में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था। इस बात का ध्यान रखिएगा, मुगल प्रशासन में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मुगल प्रशासन में वकील के पद का सृजन किस सम्राट ने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि मुगल प्रशासन में वकील के पद की नियुक्ति पहला व्यक्ति कौन था? मुनीम खां। मुगल कालीन प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा था? इसका प्रमुख क्या कहलाता था? तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो था वो वित्त विभाग था। इसका जो प्रमुख कहलाता था वो कहलाता था वजीर या दीवान। मुगल प्रशासन का पहला वजीर कौन था? बैरम खां था। और वजीर या दीवान का पद किस मुगल शासक के शासनकाल में सम्राट के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था? वो बाबर था। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने इस्लामिक कानून के अंतर्गत हुए फैसलों को फतवा ए आलमगीरी के नाम से संकलित करवाया? तो औरंगजेब था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ये भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। भूमि मापने या भूमि सर्वेक्षण का समरूप प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? टोडरमल ने चलवाई थी। भूमि मापने या भूमि सर्वेक्षण की समरूप प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलवाई थी? टोडरमल ने। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम भूमि का वर्गीकरण किया? तो अकबर ने किया था सर्वप्रथम। किस मुगल सम्राट ने भूमि की माप के लिए सन अर्थात एक पौधा की रस्सी से निर्मित सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो वो था अकबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के सामान्य दर वास्तविक उपज का कितना भाग होती थी? 1/3 होता था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भूमि माप की दो नई इकाइयाँ बीघा ए इलाही व बीघा ए दफ्तरी का प्रचलन हुआ था? तो वो था शाहजहाँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भूमि माप की दो नई इकाइयाँ बीघा इलाही व बीघा ए दफ्तरी का प्रचलन हुआ? शाहजहाँ के शासनकाल में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भूमि को अनुदान के रूप में जागीरदारों में बांटने की प्रथा का विकास हुआ? जहांगीर के राज दरबार में। किस मुगल शासक ने भू राजस्व वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था? तो वो था शाहजहाँ। ये भी इम्पोर्टेंट है। और मुगल काल में सर्वाधिक विकसित उद्योग था तो सूती वस्त्र उद्योग था, जो कि मुगल काल में सर्वाधिक विकसित उद्योग था। किस मुगल सम्राट ने अपने शासन के प्रारंभ में मुहर नामक सोने का सिक्का चलवाया था? तो अकबर ने मुहर नामक सोने का सिक्का चलवाया था। मुगल काल में दैनिक लेन देन के किस सिक्के का प्रयोग होता था? तो दाम का होता था। मुगल काल में दैनिक लेन देन के सिक्के का प्रयोग दाम में होता था। आज भी अगर हम देखा जाए तो वर्तमान समय में भी दाम भी कहा जाता है, कितने दाम का है, तो वो सिक्के से रिलेटेड ही प्रचलन था। तो किस मुगल सम्राट ने घोड़ों एवं हाथियों को दागने के लिए दाग ए महाली नाम से एक पृथक विभाग की स्थापना की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अकबर ने किया था। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी आगरा व अन्य स्थानों पर अनेक खानकाह अर्थात सूफी संतों का निवास एवं मदरसों की स्थापना की थी? तो वो था अकबर। मुगल काल में शासकों के किसी अपनी राजभाषा क्या थी? मुगल काल में शासकों ने किसे अपनी राजभाषा बनाया? वो फारसी थी। मुगल काल में शासकों की भाषा क्या थी, या फिर दूसरी भाषा में कहा जा सकता है, तो वो क्या थी? फारसी थी। किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की? तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो किया था रमजनामा ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था?
जहाँ तक मुझे याद है शायद ये 2018 में पूछा भी गया है एक बार अभी एक एग्ज़ाम में, जीएस जीके में पूछा गया है, माफ़ कीजिएगा। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो अनवर ए सुहैली, ये भी इम्पोर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के अहाते शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के अहाते यानी बगल में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अर्थात या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने किस शासक ने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कई प्रकार से पूछा जा सकता है। किस मुगल सम्राट का शासनकाल मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल, मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो देख लीजिए, अकबर ना लगाइएगा, यहाँ पे शाहजहाँ जो होगा वो राइट आंसर होगा, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल अर्थात शासनकाल मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहाँ का शासनकाल जो है वो मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस मुगलकालीन इमारत को प्रेम का काव्य कहा जाता है? ताजमहल को प्रेम का काव्य कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मुगल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल में। जो है स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल में। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार अर्थात रूपरेखा व नक्शा बनाने वाला कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसका बाद में हाथ काट दिया गया था। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को मुगल सम्राट शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी थी? वो थी नादिर उल असर उपाधि से सम्मानित किया था। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ताजमहल का मुख्य शिल्पकार कौन था? उस्ताद ईसा खां था, जिसका हाथ काटा गया था। इसका हाथ उसका बल्कि उसका नहीं इसका हाथ काटा गया, उस्ताद ईसा खां का हाथ काटा गया था। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ तथा कब पूरा हुआ? इसके निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे थे? 1631 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1653 ईस्वी में पूर्ण हुआ था और 22 वर्ष लगे थे इसे बनाने में। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? मुमताज महल की याद में करवाया था। और मुगल सम्राट शाहजहाँ ने शाहजहाँबाद अर्थात पुरानी दिल्ली में लाल किला का निर्माण किस ईस्वी में करवाया था? तो 1648 ईस्वी में करवाया था मुगल सम्राट शाहजहाँ ने लाल किला का निर्माण करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए लाल किले का मुख्य वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा किस ईस्वी में करवाया गया था? 1648 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा 1648 ईस्वी में करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले दीवाने खास में तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिएगा, शाहजहाँ ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले दीवाने खास में तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि मुगल कालीन मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? बेबादल खां था। और इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल सम्राट ने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो कि अजमेर में है पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो वो था शाहजहाँ। किस मुगल सम्राट ने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहाँ था। मुगलकालीन चित्रकला किन चित्रकला शैलियों का मिश्रण थी? वो भारतीय व फारसी थी। किस मुगल सम्राट ने गुलशन चित्रावली नाम से मुगलकालीन चित्रों का संकलन किया था? वो था जहांगीर। जहांगीर काल में किस ऐतिहासिक पांडुलिपि को चित्रित किया गया? तो वो था जहांगीरनामा। तानसेन के गुरु कौन थे? गुरु हरिदास। संगीत ग्रंथ रामसागर की रचना किस मुगल सम्राट के दरबार में की गई थी? संगीत ग्रंथ रामसागर की रचना किस मुगल सम्राट के दरबार में की गई थी? वो अकबर के दरबार में की गई थी रामसागर की रचना। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई? औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के जिस प्रसिद्ध घोड़े की मृत्यु हुई थी उसका नाम क्या था? चेतक था। हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, शायद कंफर्म नहीं याद है मुझे, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 1576 में हेमू और साथ अकबर के ही बीच हुआ था, इसमें अकबर की जीत हुई थी। मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति के सिक्के चलाए थे? जहांगीर ने।
मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति के सिक्के चलाए थे, जहांगीर ने चलवाए थे। गज ए सिकंदरी तथा गज ए इलाही का अनुपात क्या था, 39:41। महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी सभी जानते होंगे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, सिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, जैसे आप लोग सभी जानते हैं। शिवाजी का पिता का वंशज किस वंशज के थे, सिसोदिया, जो कि मेवाड़ कहा जाता है अगर मध्यकाल में देखा जाए। और शिवाजी की माता का नाम, शिवाजी की माता किस वंशज की थी, यादव, यानी देवगिरी की, देवगिरी जो कि कहा जाता है, यादव वंश की थी। और शिवाजी के दादा का नाम क्या था, वो था कुंडदेव। वो दादा वादा याद नहीं पूछा जाता है हालांकि, लेकिन माता का नाम पूछा जाता है। शिवाजी के लालन पालन कहाँ था, किसके पास हुआ था, पूना में हुआ था, कोंडदेव के पास में हुआ था। शिवाजी के गुरु के संरक्षक किन कौन थे, जिन्होंने उन्हें सैनिक शिक्षा दी थी, दादा कोंडदेव ही थे। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था, माँ जीजाबाई का था। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं इसी प्रकार से। 1640 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था, साईबाई निम्बालकर के साथ में हुआ था। 1648 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले पर छल के अधिकार कर लिया था, 1648 में शिवाजी ने किस किले पर छल से अधिकार कर लिया था, पुरंदर का किला था वो। 10 फरवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों के किस प्रमुख बंदरगाह को लूट लिया गया, वो था सूरत। शिवाजी ने अपने राजाभिषेक के अवसर पर कौन सी राजकीय उपाधि धारण की थी, वो छत्रपति, इसलिए शिवाजी को छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता है, जो कि कहा जाता है छत्रपति का अर्थ होता है राजाओं का राजा। अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अन्य कौन सी उपाधि धारण की थी, हैंदव धर्मों द्वारा उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान था कर्नाटक अभियान था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कर्नाटक अभियान था। शिवाजी ने किस वर्ष मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को पुनः लूटा, 1670 ईस्वी में पुनः लूटा था शिवाजी ने मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह को, पूना को, माफ़ कीजिएगा, शिवाजी ने किस वर्ष मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को पुनः लूटा था, वो लूटा था 1670 ईस्वी में। शिवाजी के मृत्यु कब तथा कितने वर्ष की आयु में हो गई थी, 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। शिवाजी के राज्य का राजकीय भाषा क्या थी, तो वो मराठी थी। शिवाजी के राज्य की भाषा मराठी थी, जो कि महाराष्ट्र में मराठी चलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, संभाजी था। तो जितना भी हैं, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम जीजाबाई है, वैसे जैसे है, जबकि इनके बेटा का नाम भी, उत्तराधिकारी का बेटा का नाम भी संभाजी है। और 21 मार्च 1679 इसमें किस मुगल सेनापति ने रत्नगिरी के निकट संगमेश्वर पर्वत पर छिपे संभाजी में मुस्के सलाहकार कवि कलश की हत्या कर दी थी, तो वो था मखर्रफ खां। संभाजी की हत्या के बाद मराठों ने किस नया छत्रपति घोषित कर उसका राज्याभिषेक कर दिया, राजाराम को कर दिया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा जो काम नहीं कर रहा,